गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेस विद तान्या। एंड अगेन एक नए व्लॉग में हैप्पी दिवाली आपको, आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ दिवाली। से हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बहुत सारी खुशियां आपके सबके जीवन में, और लक्ष्मी माँ बहुत सारा धन दे सबको, जो जो वीडियोस देख रहा है और जो नहीं देख रहा है उनको भी दे ऑब्वियसली। तो मैंने आज, अभी मैं जा रही हूँ कन्नू की ड्रेस लेने। तो मैं क्योंकि कल रह गई थी, तो मैं अब वो कन्नू की ड्रेस लेकर आती हूँ। और जो पापा के लिए लेकर आई थी मैं, उसका भी थोड़ा साइज़ का इशू हो गया था, तो उसको भी हम एक्सचेंज कराते हैं। और उसके बाद आकर, क्योंकि मीठी भी आ चुकी है और वो बेचारी वेट कर रही है कि रंगोली कब बनाएंगे हम लोग, लेकिन अभी थोड़ा सफाई हो रही है घर में इस वजह से। और अभी जो फ्लावर्स वगैरह है जो लगाने हैं गेट पे, उनका पापा भी पेंडिंग है, अभी बना रहे हैं उनकी माला। और अब हम क्या करेंगे, मैं एक बार जाकर आती हूँ, उसके बाद हम रंगोली को ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद उसमें कलर, उसके बाद मेरा क्या काम है, उसके बाद हमें गणेश लक्ष्मी जी को भी तैयार कर रहे हैं, उसके बाद रात हो जाएगी, फिर पटाखे फोड़ने हैं। लेकिन मुझे नहीं, इसको तो हम मिलते हैं आपको अब थोड़ी देर के बाद। आपको भी दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी ड्रेस ली, कहाँ से ली। उसके बाद हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। मैं ले आई थी अभी कन्नू की ड्रेस, आपको मैंने दिखाई थी वहाँ पर, जो मुझे और हैवी में पसंद आ रही थी, उसका साइज ही छोटा था। हैवी लाइक ये, और ये है हमारे लक्ष्मी जी के चरण पादुका, और ये शुभ लाभ जो लगते हैं मंदिर में, और ये भी पैचेस हमने कुछ लिए थे, ये भी शुभ लाभ के पैचेस हैं। ये ड्रेस है, और ये मैं लेकर आई कन्नू के लिए ड्रेस। तो क्या कहते हैं, मुझे ये वाली पगड़ी समझ आई और अच्छी लगी मुझे ये, तो मैं ये पगड़ी लेकर आई, और साथ में ये वाली ड्रेस। ये फ्लोटिंग कैंडल्स है, बिकॉज़ ये रंगोली में लगाएं, या फिर हमारे पास पॉट है उसके अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो तुम क्या करने आए हो? अब हम क्या करेंगे, गणेश लक्ष्मी जी को कपड़े बनाएंगे सुंदर सुंदर। तो हमारे साथ मीठी भी है, गणेश लक्ष्मी जी को हम वस्त्र बनाएंगे। गणेश जी का करके, और उसके बाद गणेश लक्ष्मी जी की, दोनों की फाइनल लुक दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। गाइस, अभी इसको पता है क्या हो रहा है कि मुझे भी करना है अब, ये कन्नुआ करेगी, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे है ना, इनकी आईज बहुत छोटी है गणेश लक्ष्मी जी की, तो इसीलिए गणेश लक्ष्मी जी बहुत छोटे छोटे हैं, और हमारे कन्नू थोड़ा बड़ा है, तो फिर भी सेटल डाउन सबके साथ हो जाते हैं। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारे गणेश लक्ष्मी, पहले पूछते हैं मीठी से, कैसे लग रहा है मीठी? बहुत अच्छा है।
अच्छा लग रहा है। अच्छे लग रहे हैं। चलो अब हमारे विष्णु जी को हम वस्त्र धारण करा देते हैं। थैंक यू विष्णु जी। अब मैं आपको दिखाती हूँ गणेश लक्ष्मी जी की फाइनल लुक, तो स्टे ट्यून्ड और बताना आप आपको कैसी लगी। अब हम करते हैं कन्नू को तैयार, ठीक है। हमारा कन्नू भी पहले भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था और अभी भी लगेगा। हमारा कन्नू भी रेडी हो गया और आपको मैं दिखाती हूँ कि वो कैसा लग रहा है। अभी मम्मी बना रही है मूंग की दाल का हलवा, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इंस्टेंट मूंग की दाल का हलवा बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपको रेसिपी जानना है तो मैं मम्मी को बोलूंगी और आपके लिए स्पेशल वो अपलोड कराऊंगी, आप बताना। रंगोली का टाइम, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट चल रहा है प्रोग्राम, क्योंकि आज सुबह से बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं दिवाली वाले दिन। लेकिन अब फाइनली रंगोली ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। कलर्स ये देखो, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। अभी मैं बहुत ज्यादा थक गई, रंगोली हो चुकी है, अब थोड़ा 5-1 मिनट का रेस्ट ही मिलेगा क्योंकि 6 बज चुके हैं ऑलरेडी और तैयार भी होना और पूछाएंगे पटाखे। हिम्मत तो नहीं है कुछ भी करने की अब, लेकिन फिर देखते हैं क्या करेंगे अब। क्या क्या डेकोर किया घर में, ठीक है। भाई आज बना है दम आलू और ये जो हलवा बनाया था वो उसको गरम किया जा रहा है, बिकॉज ये मूंग की दाल गरम गरम में टेस्ट आता है इसका। और ये हमने बनाई है मटर पनीर बनाई है, दम आलू है और पूरियां बन रही है और हम इंजॉय कर रहे हैं कि बिकॉज पूरियां बन रही हैं और पूरियां तो सबकी फेवरेट होती है और उसके साथ चाय। आपको पता चल गया होगा कि मेरे को चाय बहुत पसंद है, ठीक है। उन्होंने कैजुअली डाला है और जो हिमांशी की ड्रेस थी जो मैं आपको बता रही थी वो एक्चुअली फिटिंग नहीं कर पाए थे, बिकॉज कल ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा क्राउड था, इस वजह से कोई भी टेलर करने को तैयार नहीं था, तो इस वजह। और अभी ये डाल भी रही थी उससे, बट क्या है ना इसको फिट ही अच्छे से नहीं आया और ये कम्फर्टेबल भी नहीं थी, तो इसलिए हम दोनों ने प्लेन टॉप ही डाला है और अब ये इजी टू कैरी है और कन्वीनियंट है हमारे लिए। हम खाना खाते हैं
उसके बाद क्रैकर्स बंद करेंगे। मैं गाइस मतलब खाना मैं बता रही हूँ ना, वैसे तो सबके घर पे मतलब अच्छा ही बनता है खाना, कभी बुरा नहीं होता है, लेकिन मतलब इतना टेस्टी और इतना यम्मी है ना कि पता ही नहीं चला कितनी पूरी खा गई मतलब। और वैसे भी यार पूरियां गरम गरम आती हो ना तो पता नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। और अब है नेक्स्ट डे, क्योंकि इतना घर फैला हुआ है, मैसी हुआ है, इसको अब हम संगवाएंगे, ठीक है। और हम आपको एक गिफ्ट दिखाते हैं जो कि ये भैया लेके आए थे, तरुण भैया। तरुण भैया को चॉकलेट्स हैं इसमें, रॉकेट चॉकलेट, चक्री बॉम, अनार बॉम। बहुत ही अच्छा लगा हमें गिफ्ट, थैंक यू भैया। अगर आप हमारा ब्लॉग देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगा। तो गुड मॉर्निंग गाइस, हमारी दिवाली सेलिब्रेट ऑब्वियसली हो गई, आपने देखा ही है पूरा व्लॉग, और बहुत ही अच्छी भी रही है काफ़ी ज़्यादा। हाँ मतलब मैं तो खैर अंदर ही आ गई थी, बिकॉज आईज़ में बहुत ज़्यादा जलन होती है जब भी पटाखे वगैरह पोल्यूशन होता है, तो मेरी आईज़ को सूट ही नहीं करता। आप देख सकते हैं मेरे आईज़ में अभी भी स्वेलिंग हो रखी है, और कुछ ये काजल डालते हैं ना मम्मी रात में तो ये फैल जाती है, ये दो दिन तक तो उतरेगी नहीं। और अच्छा लगा। अब हमारे घर में हम उनसे पूछते हैं जो हमारे घर में काम करते हैं कि उन्होंने कैसे सेलिब्रेट ली। हाँ क्या क्या किया आपने? हमने पटाखे जलाए, मिठाइयाँ खाई और सब किस। हाँ लड्डू गोपाल भी तो है, उनके उनका क्या किया तुमने? उनसे जलवाई फुलझड़ी? नहीं उनसे नहीं जलवाई नहीं। तो फिर क्या किया उनके साथ? मम्मी ने पूजा करी थी। पूजा की थी। खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है ऑब्वियसली, फेस्टिवल होते इसलिए हैं कि हम उनको सेलिब्रेट करें, और जिनकी भी हम हेल्प कर सकते हैं आसपास की उनकी करें, चाहे हम जितना भी कर सकते हैं ना अपने एंड से, जितना हो सकता है ना एटलीस्ट हम उतना भी करें ना। एक फैमिली को भी अगर हम खुशी दे सकते हैं हमारी वजह से तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।